राजकीय मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में इन दिनों 98 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का उपचार किया जा रहा है, जिसमें 60 मरीजों को ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आज सुबह उपचार के दौरान फिरवा कोतवाली क्षेत्र के फिरोजपुर गांव निवासी राम कुमार की मौत हो गई। इसके बाद मेडिकल प्रशासन ने उनके शव को कोविड नियमों के अनुसार परिजनों को सौंप दिया। परिजन शव लेकर मेडिकल कॉलेज से चले गए। थोड़ी देर बाद फिरोजपुर गांव के 10 से 12 लोग आइसोलेशन वार्ड में घुस गए। यहां मौजूद डॉक्टर स्वतंत्र व वार्ड बॉय अनूप के साथ जमकर मारपीट की और भाग गए। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के साथ मारपीट की जानकारी होते ही SDM जयकरण व CO दीपक दुबे भारी पुलिस बल के साथ मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। उधर आइसोलेशन वार्ड में डॉक्टरों के साथ मारपीट की जानकारी होने पर वार्ड में काम कर रहे सभी डॉक्टरों ने नाराजगी जताते हुए बाहर आकर हड़ताल पर बैठने का प्रयास किया। इसकी जानकारी होते ही प्राचार्य ने सभी डॉक्टरों को अपने कार्यालय में बुलाकर उनसे वार्ता की और इसके बाद डॉक्टरों की एक टीम ने प्राचार्य को प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की। प्राचार्य ने बताया कि मामले को लेकर जांच कराई जा रही है, दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। तपन चौरा न्यूज़ के लिए तिरवा कन्नौज से अनुज कुमार की रिपोर्ट।